हिंगनघाट शहर में नाली के पानी से सब्जी विक्रेता का सब्जी धोते हुए का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। ये सब्जी विक्रेता नागरिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की चर्चा हो रही है। इस वीडियो में घटना स्थल शहर के मनसी चौक का है। इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस और सबकी निगाहें लगी हैं। हाट ठेले पर सब्जी खरीदें या नहीं, अब ये हिंगनघाट शहर के नागरिक को सोचना पड़ेगा। सब्जी वाला खुलेआम नाली के पानी से सब्जी धोते दिखाई दे रहा है। इसी स्थिति में लोगों को किससे और कैसे सब्जी खरीदे, इस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये मामला वीडियो में आया, लेकिन ये सब्जी विक्रेता कौन कौन से फंडे अपनाते हैं, इस पर भी नागरिकों को चिंता हो रही है। शहर के गली गली जाकर ये हाट ठेले वाले सब्जी बेचते हैं, लेकिन इन पर अब कितना विश्वास करें, ये लोगों के समझ से परे हो गया है। अब तक लोग इन सब्जी विक्रेता से निसंकोच सब्जी खरीदते थे, अब इस वीडियो के वायरल होने से लोग सकते में आ गए हैं। शहर के हर जगह, हर चौक, हर वार्ड में हाट ठेले वाले सब्जी बेचते हैं और लोग भी उनसे सब्जी खरीदते हैं, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने से लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस पर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है या लोगों को ही अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ती है, ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है। इस तरह की हरकत अन्य सब्जी विक्रेता भी करते होंगे, तो ये चिंता का विषय है। हिंगनघाट प्रशासन जनता के स्वास्थ्य के बारे में कितना प्रयास करती है, इस और सबकी निगाहें लगी हैं। हिंगनघाट से BCN न्यूज के लिए कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि यनौरकर की रिपोर्ट।